caro! ¡Ay, caro! हमारा नाम अमरजीत हनी, कीर्ति साईं, जिला बठिंडा का प्रधान। आज प्रदर्शन करा पराली शहर के डीसी दफ्तर के बाहर, क्या कहना चाहते हैं? हमारी मांग है कि सरकार जो पराली का उसका प्रबंध करे। हर बार सरकार किसानों से जबरदस्ती पराली का प्रबंध करा रही है। अभी भी सरकार ने बोला है, भगवंत मान सरकार ने, कि जो सरकार के पराली को आग लगाएगा जुर्माना किया जाएगा, जमीन पर लाल लकीर मारी जाएगी। हमारा संगठन कीर्ति साईं आग लगाने के हक में नहीं, ना ही पूरा पंजाब का किसान आग लगाने के हक में है। आज डीसी बठिंडा के दफ्तर के बाहर और एक ट्राली लेके अभी पराली के आया, वो डीसी के बाहर में घेरी है, छुपी है, कि इसका प्रबंध करे, फिर देखेंगे क्या होगा। सरकार तो कह रही है कोई कार्रवाई नहीं होगी, बस किसान पराली को आग ना लगाए, मशीनें हैं। नहीं, सरकार कहती है कोई कार्रवाई नहीं हुई, सरकार लगातार पर्चे दर्ज कर रही है, लगातार जमीन पर लकीर मार रही है। इस सरकार का कहना है, जो मशीनों की बात है, अभी भी कितने किसान है उनके पास कोई मशीन नहीं। सरकार सिर्फ प्रोपोगंडा कर रही है, प्रचार कर रही है, जमीनी हकीकत के अवतिकर चोने की पराली संभालने के लिए कोई प्रबंध नहीं हुआ। पराली को आग लगाओगे? नहीं, हम पराली को आग नहीं लगाएंगे। सरकार कहती है आग लगाओ, हम कहते आग नहीं लगानी, सरकार कहती आग लगाओ। क्योंकि हमारे पास 15 दिन का एक पीड़ होता है, जो कणक की बिजाई कर रही है, धान की जो होती है, उसमें बीजी गई तो बीजी नहीं, किसान का नुकसान हो जाएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि हम आग नहीं लगाए, सरकार हमारी कणक बीजने का प्रबंध कर दी। हमारी मांग को एक तो जो छोटा किसान उनको मशीन मुहैया कराइए, नहीं 200 रुपया कमांटर पर जो चो नहीं का है उसमें बाउंस दिया जाए, ताकि किसान को 6-7 हजार रुपये के साथ सहायता हो जाए। प्रदर्शन नहीं, प्रदर्शन भी हो गए, जो किसी के जबरदस्ती करेगा, कोई अधिकारी पर्चा डालेगा, जुर्माना करेगा, हम उन किसानों की तरफ से उनको घेरेंगे, घराव करेंगे, उनको बंदी बनाएंगे। बंद करो, बंद करो, बंद करो।